अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है और हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें ये ग्रह छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसा ग्रह ढूंढना होगा जहाँ पर हम रह सकें, जिसका वातावरण पृथ्वी के वातावरण जैसा हो। लेकिन हमें अब तक ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला, और अगर कोई मिलता भी है तो आज की टेक्नोलॉजी से वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हमें शायद दूसरा तरीका अपनाना होगा और किसी तरह एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच जो होने वाली टक्कर है उसको रोकना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें एस्टेरॉयड का पता लगाना होगा, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। ज़्यादातर एस्टेरॉयड बर्फ़ और पत्थर से मिलकर बने होते हैं, और इस कारण उन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी सिर्फ 10-15% ही रिफ्लेक्ट हो पाती है, और इसके अलावा ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिससे इन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इनका पता लगाने के लिए हम आसमान के एक खास हिस्से की अलग अलग टाइम पर फोटोज़ लेते हैं। बाद में इन सभी फ़ोटोज़ को मिलाकर किसी ऐसे पॉइंट की तलाश की जाती है जो अपनी पोजीशन दूसरे पॉइंट्स के मुकाबले जल्दी जल्दी चेंज कर रहा हो। और अगर कोई हमें ऐसा पॉइंट मिल जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक उस पर नज़र रखी जाती है, और उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री को प्रिडिक्ट किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जो एस्टेरॉयड है वो पृथ्वी की ओर आएगा या नहीं, क्योंकि ये आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसलिए एक हल्का सा ग्रेविटेशनल पुश भी इनके रास्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। सकता है कि कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा हो, लेकिन चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुश के कारण ये अपना रास्ता बदल ले और हम बच जाएं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बार हमें पता चल जाए कि कौन सा एस्टेरॉयड पृथ्वी को टकराने वाला है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला तरीका है, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं, वो है किसी न्यूक्लियर हथियार की सहायता से एस्टेरॉयड को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। अगर कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है तो हम एक न्यूक्लियर मिसाइल इसकी ओर भेजेंगे, जो इससे डायरेक्ट टकराएगी, और ये टक्कर इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी जिससे एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वातावरण में आएंगे तो फ्रिक्शन के कारण ये खुद ही चलकर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस मेथड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर हथियार चाहिए होगा, ताकि एस्टेरॉयड के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकें और उसे दूर तक बिखराया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीप स्पेस में, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर होती है, वहाँ पर ये टुकड़े फिर से आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे और हमें फिर से एक बड़ा एस्टेरॉयड देखने को मिलेगा, जो कि पहले वाले एस्टेरॉयड की जितना ही खतरनाक होगा। हमारे पास जो दूसरा तरीका है, उसमें हम एस्टेरॉयड के आधे हिस्से को वाइट पेंट से पेंट कर देंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वाइट कलर है वो लाइट का एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसलिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब सूरज की रोशनी इसके सफ़ेद हिस्से पर पड़ेगी तो ये उस पर एक प्रेशर डालेगी, जिससे एस्टेरॉयड पर एक फोर्स लगेगा, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये थोड़ी सी फोर्स भी एस्टेरॉयड के रास्ते को बदल देगी। हमारे पास जो अगला तरीका है, उसमें भी हम एक मिसाइल का प्रयोग करेंगे, लेकिन मिसाइल को एस्टेरॉयड से सीधा टकराने के बजाय हम इसके साइड वाले हिस्से से टकराएंगे, जिससे इसका साइड वाला हिस्सा जलकर वेपराइज हो जाएगा। इससे एस्टेरॉयड पर एक साइड थ्रस्ट लगेगा, जिससे ये अपना रास्ता बड़ी आसानी से बदल लेगा और पृथ्वी इसके टक्कर से बच जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जो कारगर हो सकता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम एक स्पेसशिप को एस्टेरॉयड के साथ साथ उसकी पैरेलल डायरेक्शन में उड़ाएंगे। पृथ्वी से दूर डीप स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर होती है, इसलिए एस्टेरॉयड और स्पेसशिप दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिससे लंबे समय में दोनों ही अपनी अपनी जो मेन ट्रैजेक्ट्री है उससे अलग हो जाएंगे, और जो एस्टेरॉयड है वो पृथ्वी पर आने के बजाय किसी दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इनमें से कौन सा तरीका है कि एस्टेरॉयड को पूरी तरह रोक सकता है। खैर, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हमने अब तक कोई भी एक्चुअल टेस्ट नहीं किया है, इसलिए समय पर कौन सा तरीका कामयाब होगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो भी हो, हमें ये जल्दी करना होगा, क्योंकि 2003 में एस्ट्रोनॉमर ने 9942 अफोसिस नाम के एक एस्टेरॉयड की खोज की, और लंबे समय तक उस पर नज़र रखने के बाद उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2029 में यह पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली 2006 में उन्होंने फिर से इस पर स्टडी की, और उन्होंने बताया कि 2029 में ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो ज़रूर, लेकिन पृथ्वी से टकराए बिना ही वापस चला जाएगा। लेकिन उसके बाद ये फिर से 2036 में पृथ्वी की ओर आएगा, और तब शायद ये पृथ्वी से टकरा जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.0001% ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये एकमात्र और आखिरी एस्टेरॉयड नहीं है, हम एस्टेरॉयड से घिरे हुए हैं। 2018 में B612 जो कि एक प्लैनेटरी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से आने वाले खतरों पर नज़र रखती है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है और ये धरती से जरूर टकराएगा, लेकिन ऐसा कब होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा होगा जरूर।